शेखपुरा में कोरोना संक्रमित शिक्षक से 5 बच्चे संक्रमित। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद पढ़ाया ट्यूशन, एक बच्चे की माँ भी पॉजिटिव। मुंगेर में सिविल सर्जन ने बुलाई हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग, जिले में एक साथ 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। डीएम ने कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील की। गया जंक्शन पर खड़ी ट्रेन की आइसोलेशन बोगी धू धू कर जली, 1.5 साल से खड़ी ट्रेन में लगी आग, बाकी 5 बोगी सुरक्षित। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री ब्लास्ट कांड, वर्किंग डे होता तो ज्यादा जाने जाती, हर शिफ्ट में 300 वर्कर करते हैं काम, रविवार के कारण 25 ही थे। बिहार में 28 और 29 दिसंबर को बारिश का अलर्ट, बारिश के कारण बढ़ेगी कनकरी, कई जिलों में शीतलहर के बन सकते हैं हालात। जेल से बंदी फरार मामले में 3 कक्षपालों पर कार्रवाई, जेल आईजी ने वेतन वृद्धि पर लगाई रोक, विभागीय जांच में सामने आई लापरवाही। पटना में पत्नी के सामने पति की गोली मारकर हत्या, ज्वेलरी शोरूम में लूट के लिए पहुंचे थे अपराधी, पत्नी को बचाने अंदर घुसा तो जबड़े में मारी गोली। चाचा भतीजे का था आतंक, जेल से आने के बाद भी कर रहे थे बैक टू बैक चोरी, ज्वेलरी शॉप मालिक समेत 4 गिरफ्तार। मांझी का ब्राह्मण दलित एकता महाभोज, बेतिया का चूड़ा गया का तिलकुट मंगवाया, बिना प्याज लहसुन के बनी सब्जी। कब्र का बांध टूटा तो बीजेपी ऑफिस का किया घेराव, पटना में 14वें दिन के धरना के बाद वार्ड सचिव संघ पहुंचा बीजेपी ऑफिस, पुलिस तैनात। समस्तीपुर निवासी एसआई की तेलंगा में गोली मारकर हत्या, तेलंगा के मुलुगु में कांस्टेबल ने किया मर्डर, फिर खुद को मारी गोली, आ जाएगा पार्थिव शरीर। जाप कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी सेतु को जाम किया, पुलिस ने जाप कार्यकर्ताओं को समझा बुझा कर जाम को समाप्त कराया, आवागमन चालू। घर की चाकू मारकर हत्या, मृतक के बेटे ने गांव के शख्स पर लगाया हत्या का आरोप, डीएसपी बोले भूमि विवाद है वजह। पीएम मोदी को बिहार से मिलेगा 1 करोड़ पत्र, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे टीचर्स स्टाफ और अभिभावक लिखेंगे, विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का निधन, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस, लंबे समय से थे बीमार।